नमस्कार, आज हम अपनी पहचान आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आज जिस इस जगह पे हम लोग आए हुए हैं वो है वाराणसी का स्मार्ट सिटी कैंट फ्लाईओवर जो कुछ सालों पहले गिर गया था, यानी कि जो ये निर्माण जब हो रहा था तो फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरा हुआ था, कुछ लोग मारे गए थे, कुछ लोग घायल हुए थे, लेकिन ये फ्लाईओवर अब बन के एकदम तैयार हो चुका है। लेकिन जो अभी ये फ्लाईओवर का जो नज़ारा हम देख रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे जो रहने वाले मजबूर है इस समय, उनकी पहचान तो है, लेकिन पहचान जो पहचानने के जो आधार होते, जैसे आधार कार्ड हो गए, पहचान पत्र हो गए, ये सब तो उनके पास है, लेकिन रोज़गार नहीं है। इसलिए आज हम आपको अपनी पहचान नहीं बताएंगे, सिर्फ आप हमें हमारे वीडियो के ज़रिए जो यहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों को जानेंगे, और उन लोगों को जानेंगे जो बेरोजगारी की तरफ एकदम रोज़गार को लेके एकदम लाचार हैं, अपने काम को लेकर लाचार है, अपने खाने पीने को लेकर लाचार है। जो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या आपके घर के बच्चे भी इस तरीके के रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं? यहाँ पे लोग रहने के लिए मजबूर हैं, तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मजबूरी है वो ये लोगों की यहाँ पे रहने की, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनको दो वक्त की रोटी और रहने के लिए छत ना मिले। तो हम लोगों से बात करेंगे, यहाँ के जो लोग हैं कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, इस रैन बस इनको रैन खास बात तो ये है कि इनको रैन बसेरा भी नसीब नहीं है, तो ये ठंडी बीत चुकी है, ये कैसे ठंडी की रातों को काटे होंगे ये लोग। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। भैया थोड़ा हमसे बात करिएगा, नहीं बोले भाई, थोड़ा सा ही बताइएगा कि आप कहाँ के रहने वाले, आप अपना नाम तो बता दीजिए हमें। हम लोग रहने वाला बिहार के हैं। जी जी, आप अपना नाम बता दीजिएगा हमें। देवराज। ये बताइए कि आप जब बिहार से यहाँ आए हैं तो क्या सोच के आए हैं कि हमें रोजाना बेचते हैं हम लोग, अब शहद वहद बेच लेते हैं, बस ये काम करते हैं। तो बिहार में थोड़ा सा बात करिएगा, बिहार में क्या रोजगार आपको नहीं है? अरे तो उधर नहीं काम चलता है, इधर काम चलता है, और क्या कहें। बिहार की जो मौजूदा सरकार है, नीतीश जी हैं, नीतीश जी कहते हैं हमारे बिहार में बदलाव हुआ है। हम आपको बता दें कि अगर बदलाव हुआ रहता तो इस तरीके से लोग बिहार छोड़ के यहाँ उत्तर प्रदेश में ये कैंट इलाके में यहाँ पे आके बिना छत के लोग रहने के लिए मजबूर नहीं होते। कुछ महिलाएं हैं जो आपस में बैठ के थोड़ी बहुत बातें कर रही हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम नहीं जानते कि वो हमसे बात करेंगी या नहीं करेंगी। लेकिन फिर भी क्योंकि ये लोगों की मजबूरी है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो बात करने से थोड़ा झिझकते हैं। आंटी थोड़ा हमें अपना नाम बताइएगा। तराना। आप कहाँ से आई हैं? बिहार से। बिहार से आई हैं, ये बताइएगा यहाँ पे क्या करती हैं? खिलौना और बेचते हैं हम लोग। मतलब आपको कमाई हो जाती है अपनी? थोड़ा बहुत कमाई होता है। ये बताइएगा बिहार आपके पास जो आधार कार्ड होता है ये सब है? पर, सब घर पर सब है, है। हाँ। कितने दिनों से आप यहाँ से यहाँ पे हैं बताइएगा? चैत बैसाख से। चैत बैसाख यानी कि मार्च अप्रैल से। हाँ। पिछले साल हिंदी में चैत बैसाख, अंग्रेजी में उसे कहेंगे मार्च अप्रैल, यानी कि पिछले साल लॉकडाउन। हाँ। से हैं आप यहाँ? हाँ। ये बताइएगा कि यहाँ पे सरकार से कुछ मिलता है, लॉकडाउन में कुछ मिला था? कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो VIP जो सुविधाएं होती, जब VIP लोग आते हैं तो क्या आप लोग कहाँ जाती हैं? यहाँ पर भागते हैं, कभी स्टेशन पर भाग जाते हैं, कहूँ बाजार पर भाग जाते हैं। और हम लोगों से बात करेंगे और हम एक दादी से बात करेंगे, उनके जो इनका जो बात है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। दादी अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम नीति कुंवर है सर। हम गरीब कहीं रहते हैं तो सरकारें को ज़मीन में खाना खाते हैं, जब मारने लगता है पुलिस तो लोग तो हम भाग जाते हैं, कहाँ रहे बेटा,
यहाँ रहते हैं, जाते हैं सौदा बेचने के लिए, बेच कर आते हैं, दो रोटी बनाते खाते हैं। यहाँ कोई गरीब को मजबूरी, ये बताइएगा कि जैसे कि कोई मानवता अधिकार होता है, जब कभी महिला दिवस आता है तो कुछ आप लोगों को दिया जाता है? चावल दे देता है, पैसा दे देता है बेटा, तेल दे देता है, कपड़ा दे देता है, हम लोग को है गरीब को मजबूरी। ये बताइए कि जब कभी जैसे कि कभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री आते हैं, मोदी जी आते हैं या फिर योगी जी आते हैं, तो आप लोगों को हटा दिया जाता है क्या यहाँ से? यहाँ से हटा दिया जाता है कि हम मत रहो, गरीब लोग का भगा जाए। गरीबे के सहारा मोदी जी हमारा घर पर आया था, तो हम मोदी जी का फोन करके बताते हैं, मोदी जी मेरे विधवा पेंशन लिख दिया। विधवा पेंशन मिलता है आपको? हाँ, विधवा पेंशन मिलता है, जो स्माइल कार्ड बोलता है बेटा, वो भी बना लिए हैं। हम लोग अपना सरकारी जमीन में बिहार में रहते हैं बेटा, यहाँ जब आता है कोई अधिकारी तो भाग जा मारने लग। मतलब ये है कि जब कोई आला अधिकारी आते हैं तो ये लोगों को अपने स्थान, अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह जाए, जैसा कि उन्होंने बताया हमें कि हम कभी कैंट स्टेशन पे चले जाते हैं या फिर कहीं दूर दराज कहीं चले जाते हैं, मतलब लोग एकदम लाचार हैं यहाँ पे। बनारस की जो स्मार्टनेस की लोग बात करते हैं, जो स्वच्छता की बात करते हैं, यहाँ पे उसका एकदम बदलता स्वरूप हम देखने को आपको मिलेगा कि कितनी स्मार्टनेस है, पूरी स्मार्टनेस बनारस की यहाँ पे धरातल, जो यहाँ पे धरातल है वो देखने को मिलेगा। दादी ये बताइएगा कि जब चुनाव तो इस समय चल रहा है ना, इतना पता है ना चुनाव चल रहा है, चुनाव चल रहा तो आप वोट देने जाती हैं? वोट देने भाजपा को कहेगी, किस पर कहेगी, कमल छाप पर कहता है, तो हम लोग जाते हैं तो अपने दे देते हैं। कौन कहता है कमल छाप पे? अब कहता है, अब आदमी लोग कहता है कि इसी में मारो, मतलब कहते हैं लोग कि इस पे मारो, तो आप जाके कमल पे मार देते हैं। और नहीं तो बेटा, पहले इंदिरा गांधी को राज था तो मैं लोग इंदिरा गांधी के जिताए थे, तो फिर राजू गांधी को, तो फिर उसको बहू लोग का, तो फिर भाजपा लोग का हुआ, और तभी लोग का हट गया तो मोदी सर। बताइए कोविड जब जो महामारी चल रहा था उस दौर में कैसे आप लोग अभी था, थोड़ा ठंडी में जो ठंडी मौसम आता है उसमें कैसे? सुनिए, ठंडी मौसम आया था तो इधर से ठेकेदार हम लोग का भगा दिया कि हट जाओ मोदी सरकार आ रहा है, तो हम लोग चले गए स्टेशन, वहाँ से भी अधिकारी मार के भगाता है सर, दो चार दिन रहते हैं और फिर हम लोग का तो भगा देता है। तो बताइए जब हम लोग जिताएंगे किसी का, जब हमको लोग गरीब को रहने का बिस्तर नहीं होगा, बताइए ना, यहाँ हवा से ठंडी से रहते हैं कि कोई अधिकारी आएगा तो उसको जिताएंगे, गरीबे का सहारा। मतलब कि अगर हम देखने जाए यहाँ पे तो लोगों से बात करके यही निष्कर्ष निकल रहा है कि क्या आपके घर के बच्चे इस तरीके से होंगे, क्या आपके घर के क्या हम सब नहीं चाहते हैं कि हमारे अगल बगल या आस पड़ोस के लोग जो हैं वो लोग एक स्वच्छता की तरफ रहे या फिर स्वच्छता की तरह रहे। यहाँ पे जो स्वच्छता अभियान चलाया जाता है या आला अधिकारी कहते हैं कि स्वच्छ, जैसा मौजूदा सरकार ने कह रखा है कि स्वच्छ काशी सुंदर काशी, तो कितनी सुंदर काशी है, कितनी स्वच्छ काशी है इस धरातल पे आपको देखने को मिलेगा। हम चारों तरफ तो आपको दिखा नहीं सकते और ना ही हम सबसे बात कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की मजबूरी है, वो हमसे बात नहीं कर सकते हैं। ये जो बैरिकेड है, इस बैरिकेड के आगे जो दो तीन बैरिकेड है वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, थोड़े थोड़े जगह पे लोग रह रहे हैं, क्योंकि जो अभी थोड़ी सी सुविधाएं हो गई हैं, जो ये बाउंड्री कर दी गई है, क्योंकि पहले ये सब बाउंड्री नहीं थी, लेकिन अब बाउंड्री के अंदर लोग रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। कौन नहीं चाहता है कि आपको एक छत मिले और रहने के लिए दो वक्त की रोटी मिले। तो हम यहाँ से उन लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो अपने मूल आवास को छोड़ के कहीं इस स्थिति में आए हैं, इस स्थिति में आते हैं या फिर ये सोच के आते हैं कि जहाँ जाएंगे वहाँ पे हमें रोज़गार मिलेगा। तो हम आपको ये खबर वाराणसी कैंट से दिखा रहे थे। दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।